यार ये थाना किसको कहते हैं? सिंगल हो? हाँ पुलिस स्टेशन को कहते हैं। यार बाबा एक मसला खड़ा हो गया यार। तो इतना मसले क्यों? किसे तीन दोस्त बैठे थे तभी वहाँ एक जिन प्रकट हुआ। तीनों दोस्त देखकर घबरा गए। जिन बोला, बोलो मेरे आका तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? पहला बोला, मुझे गोरा कर दो। तथास्तु। पहला दोस्त गोरा हो गया और दूसरा बोला, मुझे भी गोरा कर दो। जिन ने उसे भी गोरा कर दिया। अब आई तीसरे की बारी। तीसरा बोला, इन दोनों को पहले जैसा कर दो। तथास्तु। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, भाई यार एक बात पूछो। पूछ। मेरे पास 12,000 रुपए है, पता नहीं चल रहा कहाँ सेव रखो। बैंक में खाता है? नहीं मैं घर पे ही खाता हूँ। देखो से किसी ने पूछा, आपको जानवरों से प्यार है? मैंने कहा बिल्कुल है। कहते कौन से जानवरों से? मैंने अपने सारे दोस्तों का नाम ले दिया। दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम। अलेक्सा टर्न ऑन द एसी। तेरे बाप की नौकर हूँ क्या कुत्ते? पप्पू का एग्जाम चल रहा था। मैडम बहुत सख्त थी इसलिए नकल मारने का कोई मौका नहीं दे रही थी। पप्पू ने एक पर्ची मैम को दी तो मैडम पूरे पेपर के दौरान कुर्सी पर ही बैठी रही। सबने खूब नकल मारी। सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ। पेपर खत्म होने के बाद बच्चों ने पूछा, तूने पर्ची में ऐसा क्या लिखा था? पप्पू बोला, मैंने पर्ची में लिखा था, मैडम जी आपकी पैंट पीछे से फटी हुई है। ओ पप्पू पास हो गया। जो लड़कियां मुझे स्कूल में कहती थी कि शक्ल देखिए अपनी, आज उन लड़कियों के पति की शक्ल देखकर आए हाय हाय हाय, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। पप्पू को एक लड़की ने कार से टक्कर मार दी। घायल होकर वो डॉक्टर के पास गया। मरहम पट्टी करते हुए डॉक्टर बोला, जब तुमने देख लिया था कि कार एक लड़की चला रही है तो तुम सड़क से साइड क्यों नहीं हुए? पप्पू बोला, अबे कैसी सड़क, कौन सी सड़क, मैं तो गार्डन में लेटा हुआ था। सोच हमेशा ऊंची होनी चाहिए, इसीलिए मैं छत पे आकर सोचता हूँ। तो गाइस आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से फाइनली आज मेरे घर के बाहर जीप 28 लाख की गाड़ी खड़ी है और इसने वीडियो बना ली। जापानी सोच, अगर वो ये काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर वो ये काम नहीं कर सकता तो मुझे तो जरूर करना चाहिए। भारतीय सोच, अगर वो ये काम कर सकता है तो उसे ही करने दो, अगर वो ये काम नहीं कर सकता तो मैं कौन सा जेम्स बॉन्ड हूँ? अरे जनाब, स्कूटर के ब्रेक में फांसी लगा ली, बोला मेरी जगह अब लड़कियों के पैरों ने ले लिया। व्हाट इज योर नेम? आई एम फाइन थैंक यू। लगता है 2020 या 21 से पढ़ाई की है। एक औरत अपनी सहेली से बोली, मुझे ना अपने पति पे शक है, वो ना छुप छुप के किसी से मिलते हैं। सहेली ने पूछा, तो अब तू क्या करेगी? औरत बोली, कोई बात नहीं, कल ही उसके पीछे अपना बॉयफ्रेंड लगाती हूँ।